BA, MA, BCom, BEd और DLEd में प्रवेश पाएं। बुंदेलखंड में उत्कृष्ट शिक्षा का संस्थान ISO प्रमाणित सुदर्शन डिग्री कॉलेज बांसी ललितपुर, संस्थापक डॉक्टर रविंद्रनाथ यादव। टीकमगढ़ के कलेक्टर कार्यालय परिसर के CMHO कार्यालय में रविवार की सवेरे आग लगने के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। इस मामले की शुरुआती जांच में बिजली विभाग FSL टीम के संग पुलिस ने पाओ है कि इते आग कोनो शॉर्ट सर्किट से नहीं लगी, बल्कि अज्ञात व्यक्ति के द्वारा जानबूझ के आग लगाई गई है। पुलिस ने CCTV कैमरा को DVR जब्त कर लो है और कलेक्टर कार्यालय परिसर में लगे बाकी कैमरों के फुटेज चेक करे गए हैं। प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के भतीजे और BJP के खरगापुर विधायक राहुल सिंह लोधी द्वारा स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोविड काल में दवाई उपकरण खरीदी और नियुक्ति में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार को खुलासा करेगा तो ई पूरे मामले में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखेगा तो उतई सांसद प्रतिनिधि मनोज देवरिया द्वारा भी कोरोना काल में स्वास्थ्य विभाग में खर्चा की जानकारी मांगी गई थी, लेकिन यह जानकारी मिल पाती या फिर ई पूरे मामले में कोनू जांच हो पाती, ई के पहले ही CMHO कार्यालय में आग लग गई और बड़ी मात्रा में रिकॉर्ड जल के खाक हो गए। ई पूरे मामले की जब जांच शुरू हुई सो पतो चले कि इते बिजली विभाग की तरफ से कोनू समस्या नहीं आ या फिर शॉर्ट सर्किट आदि से कोनू आग नहीं लगी, बल्कि यह आग बाकायदा योजनाबद्ध तरीके से लगाई गई है। संडे की सुबह कलेक्ट्रेट कार्यालय में CMHO ऑफिस है, वहाँ पर आग लग गई थी और ये घटना करीब सुबह 4 बजे की है, जिसपे डॉक्टर PK माहौर की तरफ से रिपोर्ट की गई थी, आगजनी कायम की गई थी। जांच में विद्युत विभाग की टीम एवं जो सेफ्टी ऑफिसर बिजली विभाग के रहते हैं उनके द्वारा, FSL टीम द्वारा एवं पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से जाँच की गई थी और विद्युत विभाग की टीम द्वारा बताया गया कि ये आग शॉर्ट सर्किट से नहीं लगी है। पुलिस ने जो जांच की है उसमें ये पाया गया है कि शॉर्ट सर्किट से आग नहीं लगी, किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा आगजनी की घटना की गई है। तब उस पर हमने कल शाम को एक अपराध क्रमांक 166/21 धारा 436 और साझ की संपत्ति हानि निवारण अधिनियम की धारा 3 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है, जिसकी विवेचना की जा रही है। सर, आपके द्वारा वहाँ CCTV कैमरे से छेड़छाड़ के मामले में DVR जब्त किया गया था, तो कोई लगा ऐसा कुछ? हाँ, DVR को हमने देखा है, चेक किया है और उसके अंदर जो 4 कैमरे लगे हुए थे जिस जगह घटना आगजनी की घटना हुई है वहाँ पर वो कैमरे बंद पाए गए हैं। सांसद के स्वास्थ्य विभाग के प्रतिनिधि मनोज देवरिया के मुताबिक पिछले 20-25 दिन से लगातार सूचना मिल रही थी कि स्वास्थ्य विभाग में कोरोना काल में व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार भाव है और यही वजह से इतने जो भी दस्तावेज हते वे जला के नष्ट कर दिए गए हैं। एक तो भ्रष्टाचार और ऊपर से इतनी बड़ी साजिश के रिकॉर्ड खोई जला के खाक कर दो, वाकई बेहद चौंकावे वाला मामला है। अब ये पूरे मामले की शासन स्तर से जांच भर चाहिए, तभी शायद दोषियों को सजा मिल पे है। टीकमगढ़ से सुधीर जैन, बुंदेली, पोछार।